कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं तृष्णा यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक के औचक निरीक्षण से प्रदेश के सभी अस्पतालों में हड़कंप मच गया है कि आखिर अब किसकी बारी है। इसी कड़ी में अब बारी थी रायबरेली के बचरावा सीएचसी की, जहां भी डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के तूफानी दौरे से हड़कंप मच गया। इस दौरे में किस पर गिरी गाज और किसने लूटी वाहवाही, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का तूफानी दौरा, रायबरेली सीएचसी का औचक निरीक्षण, दौरे से खुली चिकित्सकों की पोल, सीएचसी में गंदगी पर लगाई फटकार। गर्मी में चिलचिलाती धूप, मरीजों की कतार, इलाज के लिए पर्चे बनने का इंतजार, कुछ ऐसा ही है इलाज कराने पहुंचे सीएचसी में मरीजों का हाल। लेकिन इन्हीं आम मरीजों के बीच कौन जानता था कि स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी अपने कार्यालय से निकलकर आम नागरिक की तरह लाइन में खड़े होकर मरीज बनकर पहुंच जाएंगे। अस्पताल पहुंचने पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का पर्चा भी बन गया, फिर वो ओपीडी पहुंच गए। लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को इसका अंदाजा लगा, तुरंत अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों और कर्मचारियों में खलबली मच गई। लेकिन तब तक चरमराई सीएचसी बछरावा की पोल उनके सामने खुल चुकी थी। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक बछरावा सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 100 मीटर दूरी पर ही अपने काफिले को रोक दिया। वहां से वो सीएचसी की ओर पैदल ही चले गए। सीएचसी पहुंचकर वो पर्चा बनाने के लिए कतार में लग गए। इसके बाद पर्चा लेकर वो पुरुष ओपीडी की तरफ पहुंचे, जहां उन्होंने कुर्सी पर बैठकर एक महिला मरीज से स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बिना किसी को बताए अकेले ही पूरे सीएचसी परिसर का जायजा लिया। इसके बाद जब वो अस्पताल अधीक्षक एके जैसर के कमरे में पहुंचे, तब जाकर अस्पताल में डिप्टी सीएम के आने की जानकारी हुई। इसके बाद अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया, जिसके बाद बृजेश पाठक सीएचसी अधीक्षक को साथ लेकर एक्सरे रूम पहुंचे और वहां जांच पड़ताल के बाद अधीक्षक को फटकार लगाई। सीएचसी की लैब पहुंचकर उन्होंने लैब टेक्नीशियन से पूछताछ की, जबकि लैब के बाद वो दंत विभाग भी पहुंचे। वहां उन्हें दांतों की जांच करने वाली मशीन पर धूल चढ़ी हुई मिली। गंदगी देखते ही डिप्टी सीएम ने डेंटल हाइजीनिस्ट को भी फटकार लगाई, जिसके बाद उन्हें पता चला कि दांत की डॉक्टर एक महीने से छुट्टी पर है। प्रदेश के मौसम में जितनी गर्मी है, उससे कहीं ज्यादा तपेश इस वक्त प्रदेश के अस्पतालों में है कि कहीं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक उनके सीएचसी में तूफानी निरीक्षण पर ना पहुंच जाएं। और यही वो डर है जो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में रफ्तार दे रहा है। नायक फिल्म आपने कई बार देखी होंगी, नायक फिल्मी अंदाज में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक रायबरेली जनपद के बछरावा सीएचसी पहुंचे। और आपको बता दूं कि जब तक जहाँ पर पहुँचे और निरीक्षण किया, जब तक लोगों को पता चलता, वहाँ के अधिकारियों को पता चलता, निरीक्षण के दौरान उतनी खामियाँ मिल चुकी थी कि फटकार लगाया उनको और सुधारने का निर्देश भी दिया। आपको बता दें कि वहीं पर जो मरीज हैं उनसे वार्तालाप भी की और जिस तरीके से उन्होंने मरीजों से बात की, किसी को पता ही नहीं चला कि सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक जी हैं। यही नहीं, उन्होंने कई जगह पर निरीक्षण किया, वहाँ जल भराव भी देखे और सुधार करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपकी बात सही नहीं हुआ तो अगले निरीक्षण में तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अजय प्रताप सिंह, प्राइम टीवी, रायबरेली।
हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।